एक कांच का टुकड़ा उसकी आंखों को स्क्रैच करते हुए निकल जाता है और जब वो जागता है तो उसका देखने का नजरिया बदल चुका था। अपनी आंखों पर थोड़ा दबाव डालने पर उसे सेब के अंदर मौजूद कीड़ा साफ दिखाई दे रहा था। वो कहता है कि ये खराब है। उसकी दोस्त कहती है कि जब तुमने इसे खाया ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता। मजबूर होकर जुआंग रुई को उसे साबित करके दिखाना पड़ा। अब वो अपने अंकल डे की एंटीक शॉप पर गया जहां उसे मालूम पड़ा कि न केवल वो एंटीक वस्तुओं के अंदर तक देख पा रहा है बल्कि वो उसकी निर्माण विधि और इतिहास भी देख रहा था। उसके दोस्त मैट पर बहुत सारा कर्जा हो गया था तो उसने सोचा कि वो अपनी पुस्तैनी विरासत को बेच देगा, लेकिन जुआंग ने उसे बस एक नजर भर के देखा और वो जान गया कि ये आज के समय का एक साधारण हस्तशिल्प है। लेकिन मैट को विश्वास था कि ये एक पुरानी चीज है, इसलिए दोनों एक लोकल एंटीक मार्केट में आए। दुकानदार ने जैसे ही उसे देखा उसने कहा इसकी कीमत पूरे 5 रुपए है। मैट को बेइज्जती का एहसास होता है और वो जुआंग को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन जुआंग दुकानदार के हाथों में एक डिब्बी देखता है। वो अपनी गोल्डन आई से देखता है कि डिब्बी पर एक काली परत जमी हुई है और उसका असली रंग लाल है। धूल की परत ने डिब्बी के इतिहास को ढक लिया है लेकिन दुकानदार को ये नहीं पता और आखिर जुआंग इसे 600 रुपए में खरीद लेता है। मैट उससे कहता है कि तुम असली लूजर हो। अब जुआंग वो डिब्बी अंकल डे को दिखाता है। कुछ जांच परख के बाद अंकल डे देखते हैं कि ये कोई साधारण डिब्बी नहीं है और इसकी कीमत पूरे 1 करोड़ रुपए है।